हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, लगभग 7 बजे तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है सैलून पे क्योंकि मेरा है आज मेकअप। मैं जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लेती हूँ और फिर चलते हैं। सोचू चाय पी लूँ सुबह सुबह, चलिए चाय बनाती हूँ। गर्म हो रहा है, इतनी देर में जो सैलून जाना है उसकी तैयारी कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि कॉफ़ी पी के जाती हूँ, फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं फिर लेट हो जाऊँगी और कल मैं रात को काम कर रही थी वहाँ पे, तो सब मैंने एज इट इज़ मैं वहाँ पे छोड़ के आई हूँ। सारे बाल वगैरह बिखरे हुए हैं और ज्योति की तबीयत ख़राब है, वो आने वाली नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा जल्दी जाऊँगी तो काम होगा। कुछ हो गया बोलन तो शील्ड माउथ हो गया। जैसे हम बाहर निकले वैसे चिकू बोल रहे, अरे यार चिल्ड हो गया ना, एकदम चिल्ड माहौल हो गया, तो अब तो ठंड आएगी ही। अब मौसम ही प्लेट गया है सारा। नवरात्रि में तो आते थे ठंड लगती है, पता नहीं है नवरात्रि खेल के आते तो इसकी थी बारिश ही आएगी। बारिश ने पर ठीक परेशान किया, तुमने ना लिया तो मंदिर भी अपन जा लेते। कल रात को व्लॉग एडिट नहीं किया था क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो मैं एक तरफ मेरा काम कर रही होंगी और चिकू व्लॉग एडिट करेंगे यूँ करके, तो मैंने बोला था कि चलो सुबह ही करेंगे। और मेरे को क्या बोला है, मैं रात को 10:30 बजे सो गई थी, 10:30 बजे सो गई और फिर हम निखिल का व्लॉग देख रहे थे तो आवाज़ आ रही थी तो मैं उठ गई, फिर नींद आई डायरेक्ट 11:30-12 बजे। तो फिर अभी मुझे बोल रहे रात को ही मैं एडिट नहीं कर लेता, पर सुबह सुबह तुम अब मेरे साथ जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठोगे, तुम सुबह सुबह एडिट कर सकते हो ना, है ना। मेरा काम हो चुका है, मैं जा रही हूँ अब घर पर और अभी लगभग 10 तो बज गई है, ब्रेकफास्ट करना बाकी है। अब घर जाके एक बार ब्रेकफास्ट करूँगी फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी चिकू मेरे को दुकान से लेने आए थे और हमारे मंदिर जाना बाकी था, तो फिर चिकू ने कहा क्यों ना घर जाने से पहले घर जाने से पहले मंदिर चले जाते, तो हम आ गए अभी मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा के। और ये यहाँ से हम तिलक लेके रोज लगा लेते हैं, मैं लगा लेती हूँ। अब वहाँ सामने शिव जी के मंदिर में दर्शन कर लेते हैं फिर चलते हैं घर पे। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी किया नहीं है, भूख तो नहीं लग रही है पर थोड़ा सा लो फील हो रहा है, इसलिए जल्दी करना पड़ेगा। घर पर आई, 2 मिनट रेस्ट किया और वापस से कस्टमर का कॉल आया है तो मुझे जाना है शॉप पर, तो अभी जाती हूँ शॉप पर। आज मैं इनके बालों में करने वाली हूँ स्मूथनिंग और इनके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, तो स्मूथनिंग से ये बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। और अभी मैंने इनके बालों को कर दिया है वॉश और स्ट्रेट मैंने ड्राई कर दिए हैं। अब मैं इनके एक बार से पूरे बाल स्ट्रेट कर दूँगी स्ट्रेटनर की हेल्प से और आगे इनका स्मूथनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक बार मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। बाल मैंने कम्प्लीटली स्ट्रेट कर दिए, अभी ये कम्प्लीट मैंने स्ट्रेट कर दिए। अब मैं इनके बालों में फर्स्ट क्रीम अप्लाई करूँगी एक्सटेंसो की, लॉरियल की। तरीके से फर्स्ट क्रीम लग गई है, इसको हम 25 मिनट से 30 मिनट तक रेस्ट करने देंगे और इनको बिल्कुल भी हिलने के लिए मना बोल दिया है हमने। और कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रेट कर दिए हेयर्स और ये 25 मिनट तक ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं क्योंकि इसमें जैसे ही हिलेंगे बालों में बैंड आएगा, तो एज इट इज़ वो बैंड रह जाएगा इसलिए। तो अभी
ये मैंने इनके बालों में लगा दिया है और अभी मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ घर पे, तो इनके बाल इतनी देर रेस्ट कर लेंगे और मैं खाना खा के आ जाऊँगी। खाना वगैरह खा लिया है, मम्मी ने बना दिया था, तो अभी बस खा के फटक से जा रही हूँ दुकान, क्योंकि कस्टमर वेट कर रहे हैं। और आज हमारे मिट्टुओं को रखा है बड़े पिंजरे में, और ये इनके घर से निकल नहीं रहे, छोटे पिंजरे में ही है। फर्स्ट क्रीम हमारी लग के वॉश हो चुकी है और अब आता है न्यूट्रलाइजर का टर्न। और अभी बाल इनके वेट हैं, तो इन बालों को अच्छे से मैं ड्राई कर रही हूँ ड्रायर की हेल्प से। ड्राई करके मैं इसको अच्छे से स्ट्रेट ड्राई कर दूँगी और फिर इसके ऊपर न्यूट्रलाइजर लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। बाल मैंने स्ट्रेट ब्रॉ ड्राई कर दिए हैं और अब ये न्यूट्रलाइजर लगने वाला है, तो मैं यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ सारा, एंड कैमरा यहाँ जाएगा इसलिए। बालों में कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजर अप्लाई हो गया है, अब इसको 15 मिनट रहने के बाद हम अच्छे से रिंस कर देंगे। अच्छे यूँ चढ़ के फिर बैठना। अब इनके बालों को मैं अच्छे से रिंस कर दूंगी। बाल की स्मूथनिंग हो गई है कम्प्लीट और आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आया है बालों का। इनके जो पहले बाल थे वो तो मैं शूट में ले नहीं पाई थी, क्योंकि अब ये कंफर्टेबल होंगे ही नहीं होंगे यूँ करके, बट फिर मैंने बाद में लेके इनको पूछा तो इन्होंने बोला आप ले सकते हो। आप देख सकते हो इनके बाल कितने ज़्यादा अच्छे और शाइनी हो चुके हैं, इनके बालों में कितना अच्छा टोन आ गया है। मस्त अब ये 3 डेज के बाल इनके हेयर को वॉश करवाने आने वाले। आपको कैसे लगे आपके बाल बताइए? बहुत अच्छे लगे मेरे को तब तो। कम्प्लीटली स्ट्रेट हो चुके हैं और हमने इनके बालों को ब्लो ड्राई भी कर दिया है, तो अब इनका काम हो चुका है। अभी हुई हूँ मैं फ्री और आया है मेरा प्यारा सा बेटा वीर, जो कि मुझे मिलने आया है। इसके मम्मी पापा तीनों जने आए, पर इसने कहा मैं तो रोमा बुआ के पास रुक रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। कोई इतना ज़्यादा क्यूट लगता है, मैं इसको बहुत खिलाती थी छोटी थी। तो कितना साल मैं तेरे को खिलाती थी बता? 1 साल 2 साल। 1 साल 2 साल के अच्छे टाइम 2-3 महीने का था खिलाती थी, और तब से मेरे पास बहुत रहता, इतना रहता, पूरा पूरा दिन रहता, तब खेलू खेलू करते थे हूँ। और अभी ये कैमरा पकड़ के क्या बोले, हाँ रोमा बुआ आपका हाथ इसलिए दर्द होता है क्योंकि कैमरा पकड़ते हो ना आप, कितना भारी है कैमरा, हिल रहा था तेरे हाथ से, पकड़ा भी नहीं। तेरे बाल काटने? बाल तो काटती हूँ मैं, चप्पड़ गंजू चप्पड़ गंजू कौन सा? पहले बाल ऐसे ऐसे यहाँ पे तो काटते थे, मैंने काटे थे नहीं कितनी बार, मैं इसके बाल मैं ही काटती थी, ये पहले छोटा था तो मैं किसी को कटाने नहीं देता। हाँ, ये मेरे अलावा किसी को काटने ही नहीं देता था। और इसके इतने कानों भी अभी मेरे पास ही कटवा के गया, अभी थोड़े दिन पहले आया था। हाँ, थोड़े दिन पहले आया था तब मेरे पास ही कटवा के गया। तो अभी हम मैं और वीर करेंगे बहुत सारी बातें और हम आगे जा रहे हैं, अब सलून से थक गए हैं इसलिए, और अब कोई भी आएगा मैं ऑर्डर नहीं लेने वाली हूँ। वैसे 6 बज गई है, मेरा क्लोजिंग टाइम हो गया इसलिए अब थक गई बहुत ज़्यादा। कब से खड़ी हूँ सुबह से, आज तो मैं लगभग 7 बजे से आई हूँ, 7 बजे से नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ यार, 7 बजे से काम कर रही हूँ, शाम की 6 बज रही हैं, बिल्कुल बैठी नहीं हूँ मैं, लगभग 11 घंटे से काम कर रही हूँ मैं, 11 घंटे से रेगुलर, सिर्फ खाना खाने गई थी इसलिए। दुनिया का सबसे सस्ता काम, सबसे सस्ता काम दुनिया का। हाँ। अरे यार चाय वाला। हाँ? चाय वाला चाय वाला सोचा। हाँ? मैंने सोचा चाय वाला होगा सबसे सस्ता काम। हाँ सही है यार, क्या मेहनत क्या लगती है उसमें? कुछ भी मेहनत नहीं लगती है, चाय बनानी तो होती है।
चाय बनाओ, एक जगह बैठो, लेनी है तो लो बनो। हाँ सही बात है। दौड़ना पड़ता है किसी किसी को। हाँ दौड़ना भी पड़ता है, वो एक जगह बैठेगा उसको दौड़ना पड़ता है। सब कामों में बेटा मेहनत तो लगती है, कोई भी काम इस दुनिया में सस्ता नहीं है और कोई काम यानी बिगर मेहनत का नहीं है। सही बात है कि नहीं है? रो मैं आपका ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ बेटा, रो बहुत थक के आ चुके हैं और हम जा रहे हैं दोनों जने आगे वाली दुकान में। और आगे वाली दुकान में जाने से पहले ये यहाँ पर कॉर्नर में हमारा धूप लग रहा है। अभी जा रहे हैं हम घर पे, हो गया टाइम पूरा मंगल करने का, इसलिए मजदूरी का टाइम पूरा। हम जैसे ही आए हमको हमारा छगन मिल गया। मैं नहीं हूँ छगन। आज मैं इतनी थक गई थी, नव को पहले से पता था इसलिए नव ने प्लानिंग कर दी कि हम होटल ही जाएंगे, है ना। आज हम होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। Alexa स्पीकर आ चुके हैं, एक मेरे को दे दो ना। ऑनलाइन मंगा देना, अभी बहुत सस्ते मिल रहे हैं। कितने का मिल रहे? अभी हम सेटअप कर रहे हैं, अभी हम सेटअप कर रहे हैं एलेक्सा को, और चिकू सेटअप कर रहे हैं जो कि सेटअप में मास्टर है एकदम। और तुम्हारे चिकू मैचिंग है, ब्लैक कलर का टी शर्ट ऑलवेज फेवरेट है। क्या बोलेगी? ब्लैक इज ऑलवेज टट्टी। अब इसको सेटअप कर देते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे एलेक्सा के साथ। ना चल बता तू एलेक्सा को क्या काम बताना चाहता है। मैं एलेक्सा को यूं बताना चाहता हूँ कि एलेक्सा मौलवी को दुनिया दे दो। और एलेक्सा ने यूं बोल दिया तो तुम बहुत ही आलसी लोग हो, तुम आलसी लोगों का काम मैं नहीं करूंगी। मैं बोलूंगा एक रेपट पढ़ेगा कर ले। एक रेपट एलेक्सा तेरे को रेपट मारूंगा ही कह रही है। एलेक्सा सेटअप हो चुका है, अब मैं आपको एक चीज सुनाती हूँ। एलेक्सा क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी कि दशहरा इस बात का एहसास दिलाता है कि जीवन में सत्य, दया और साहस ऐसे गुण हैं जो सबसे अनमोल हैं। अब आप बताओ क्या पूछूं इसको, इसने तो बता दिया क्या जो भी पूछा था मैंने। मज़ा आता है एलेक्सा से। कभी मैं बोर हो रही होती हूँ ना सलून में, तो मैं एलेक्सा से बातें करती हूँ क्योंकि सलून में भी है और मज़ा भी आता है। मैं तो जोक सुनती हूँ इसको पूछ के। एलेक्सा मैं बोर हो रही हूँ, एक जोक सुनाओ। सुना है इसने? एलेक्सा मैं बोर हो रही हूँ, मुझे एक जोक सुनाओ। मच्छरों से तंग आकर चिंटू ने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। तभी अंधेरे में उसे एक जुगनू आता दिखाई दिया। चिंटू बोला, लो ये मच्छर तो टॉर्च लेकर आ गए। एलेक्सा भी जोर है। यानी इस टाइप के जोक सुने नहीं होंगे, मजा आता है इसके साथ, यानी कुल मिला के बातें करके। तो और अभी हमको जाना है होटल, तो मैं हो गई हूँ रेडी। अच्छा वो आज मैं ज़्यादा थक भी गई थी तो होटल रख दिया डिनर। होटल जाकर आ गई हूँ और अभी घर पर आ गई, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का आप कर देती हूँ एंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ तो अब सो भी जाती हूँ। अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ यहाँ तक और देख लिया है तो चलो एक चुटकुला सुन के जाओ हमारी एलेक्सा से। एलेक्सा एक चुटकुला सुनाइए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पिंटू से कहा, अफसोस है कि ऑपरेशन के दौरान आपके पेट में ही ग्लव्स रह गए, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। पिंटू ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ये लो 50 रुपए, दूसरे ग्लव्स ले लेना। जोक 2-3 सुन लिए, पर जो मजेदार आया होगा वो आपने सुन ही लिया होगा। तो अब फाइनली कर देती हूँ व्लॉग का एंड, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। और हाँ आज हम देखने वाले हैं मूवी जो कि विद्युत की नई आ गई है, उसका नाम है सनक। तो अभी हम देख रहे हैं सनक, और मेरे और चिकू का तो फेवरेट है विद्युत। क्या मूवी बनाता है मजेदार। ट्रेलर देखा जब से तभी सोच रही कब आएगी, अभी हम देख लेते हैं।